गिफ्ट शेरी ने मेरे लिए ऑर्डर करवाया है काकू से। गिफ्ट शेरी ने मेरे लिए ऑर्डर करवाया है काकू से। काकू और शेरी ने दोनों ने ऑर्डर कराया है मेरे लिए। और इसमें शेरी ने शायद मेरे लिए लिपस्टिक ऑर्डर करी है। और चलिए अभी इसको खोलती हूँ, देखती हूँ जब शेरी उठ जाएगी, जब शेरी के सामने ही खोलूँगी। और शेरी अभी सो रही है। शेरा, आपने जो मेरे लिए गिफ्ट मंगाया था वो आ गया है। इसने मेरे लिए गिफ्ट ऑर्डर कराया है ना। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग हो गई है, उठ जाइए। ये रहा गिफ्ट, ठीक है अभी खोलते हैं, पहले उठ जाओ, मुंह हाथ धो लो। हाथ नहीं लगाना, अभी सैनिटाइजर करूँगी ना इसको, फिर खोलते हैं अभी। तो चलिए इतने शेरी उठती है, इतने मैं यहाँ रख देती हूँ इसको, और अभी इसको सैनिटाइजर कर लूँगी। हेलो जी, कैसे हैं आप सब? आपका बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से हमारी नई वीडियो में। और आज है दिन सोमवार का और सुबह का वक्त हो रहा है, और आज वैलेंटाइन भी है। और गिफ्ट तो मेरे को कल ही मिल गया है, कल इसके पापा ने मेरे को, जो मैं इतने दिन से मांग रही थी कि मुझे ये वाली कढ़ाई चाहिए, और इसके पापा की कल छुट्टी थी तो वो मुझे कल ले गए थे मार्केट और कह रहे चल तेरे को वैलेंटाइन का गिफ्ट दिलाता हूँ, तो उन्होंने मुझे कढ़ाई दिलवाई है वैलेंटाइन गिफ्ट। इसलिए वो कह रहे थे कि ऐसा गिफ्ट किसी ने किसी को नहीं दिया होगा, क्योंकि कढ़ाई कौन देता है वैलेंटाइन पे। और बच्चे ये बैठे हैं, बच्चे पी रहे हैं दूध, पी रहे हैं बच्चे, अभी सो के उठे हैं बच्चे, मम्मी अपने कमरे में ही है। और दूध ठंडा करके दूँ? तो चलिए थोड़ा सा मैं इसको दूध ठंडा करके दे देती हूँ शेरी को। और शेरी ने आज मेरे लिए गिफ्ट मंगवाया है, कैसा लगा? बहुत अच्छा गिफ्ट है। और शेरी ने एक और दोगे? ओके बेबी। और इसने मेरे लिए गिफ्ट ऑर्डर करा है और वो बहुत ही अच्छा है, इसने लिपस्टिक ऑर्डर करी है मेरे लिए, है ना। और बस अभी मैं लगा के दिखाऊंगी कि कैसी लग रही है। जो सबसे पहले कहेगी शेरी ये वाली शेड लगाओ, मैं वही वाली शेड लगाऊंगी। और ये भी वो लिपस्टिक, हाँ हाँ, है। ये शेरी ने मेरे लिए ऑर्डर करी है। और ये कलर भी बहुत अच्छे हैं, इसे पता है कि मम्मी को ऐसे कलर अच्छे लगते हैं, इसलिए इसने यही वाली ऑर्डर करवाई है ना। और शेरी बहुत अच्छा बच्चा है, किसी का भी बर्थडे होता है, किसी की भी एनिवर्सरी होती है तो सबके लिए ग्रीटिंग बनाती है ये, और सबके लिए गिफ्ट लाती है। ये वाला लगाऊं, रेड लगाऊं? तो चलिए पहले मैं लगा के देखती हूँ जो शेरी ने मेरे लिए लिपस्टिक लाई है। लाओ शेरी, हाँ हाँ ऑर्डर करिए, लाओ दो खोल के दो। तो चलिए अंदर चलती हूँ, फिर गिर गई। तो शेरी कह रही है मम्मी पहले ये वाला शेड लगाओ, तो पहले मैं रेड कलर की लगाऊंगी। तो ये कलर है इसका, रेड है ये, और ये बहुत ही क्रीमी क्रीमी लिपस्टिक है। हाँ रेड हैगा मेरे पास, लेकिन ये भी अच्छा है, बहुत क्रीमी लिपस्टिक है और मैट में है और बहुत अच्छी लग रही है ना। शेरी के मुंह हाथ मैंने धुला दिए हैं और इसके कपड़े भी चेंज कर दिए हैं मैंने, और अब इसकी चुटिया बना के इसे थोड़ी देर में छत पे बिठाऊंगी धूप में, और उसके बाद मैं करूंगी ये वाला कमरा साफ़। और जो कपड़े हैं मेरे वो बिस्तर पे धुले हुए हैं, उनको मैं तय बना बना के रख दूंगी अलमारी में, और फिर जो बेड शीट है उसको बिछा दूँगी दूसरी बदल के। और झाड़ू पोछा तो मैंने सुबह ही कर लिया था, बर्तन भी मांज लिए थे, बस मेरा ये कमरा ही रह गया था, इसको भी मैं कर लूँगी अब मैं साफ़। स्कूल खुल गए ना काले तेरे, आज गया था ना तू? मेरा तो कभी के खुले नहीं, मैं गया आज, आज गया था। गुड्डू भी कल से जाएगा। ओए गुड्डू, कल की तैयारी कर ले। ओए जिसका तुझे इंतजार था, ओए गुड्डू जिसका तुझे इंतजार था स्कूल खुलने का, खुल गए, कल से जाना ठीक है ना। ओए हिंदी का काम कर लियो। अब मैं आ गई हूँ अपने किचन में, अब देख लेती हूँ अपने किचन का काम, और टाइम भी हो रहा है, 7 बज गए हैं। पापा इसके अभी आए नहीं हैं शेरी गुड्डू के, अभी मैंने उनको फ़ोन किया है कि आज लेट हो गए हैं, 7 बज रहे हैं, कह रहे हैं अभी बस 5-10 मिनट में आ रहा हूँ, रास्ते में ही हूँ, ट्रैफिक बहुत ज़्यादा हो रहा है इस वजह से थोड़ी देरी हो गई है उनको। और शेरी बच्चा ये बैठा हुआ है, मेरा मेकअप लेके बैठा हुआ है शेरी बच्चा। शेरी बच्चा ये क्या कर रहे हो, पूरी ट्रॉली फैला रखी है मेकअप निकाल के, ये लगाने में लग रही है सारा मेकअप, ये बहुत देर से बोर हो रही थी, हैं
लेटे लेटे बोर हो रही थी तो अब मेरा मेकअप लेके बैठ गई है। ये देखो और खाने में क्या बनाओ आज, क्या खाओगे बच्चों? मैं कुछ दिखा रही हूँ। क्या दिखा रही है? देखो आईलाइनर क्या लगा है, मैं आपको दिखाती हूँ मेरा आई मेकअप, आई शेडो क्या क्या लगा लिया। ओहो आँख के अंदर चला जाएगा ये। नहीं जाता। खाना खाना क्या खाना है? आलू का पराठा। आलू का पराठा है ये तो मेरा गोभी का पराठा है ये। गोभी खाना है। आलू का खाना है तो चलिए बच्चों की फरमाइश पे अब मैं बना लेती हूँ खाना। क्या चाहिए आपको? क्या चाहिए? कुछ नहीं, फोन चाहिए। फोन चाहिए? क्या एक सीट रह गई है? अभी दे दें बस। चलो मैं बना लेती हूँ इसके पापा के लिए चाय। हमने तो चाय पी ली है, अब इसके पापा के लिए बना देती हूँ। किस चीज़ की खुशी हो रही है? फोन लेने की। फिर दोस्त तो बैठा है बाहर, क्या खेलना है? खेलना नहीं है, पबजी खेलनी है। पबजी खेलनी है, खेलना है, काम करना है, पबजी खेलनी है, काम करना है। तो हंसी क्यों आ रही है? हंसी क्यों आ रही है? इसको खेलनी होगी पबजी, क्योंकि इसका दोस्त आया हुआ है, मुझे पता है वो पबजी खेलने आया है इसके साथ और बैठा हुआ है वो वहाँ सोफे पे। ओए तुषार क्या कर रहा है? पढ़ाई कर रहा है? पबजी खेलेगा? पबजी खेल रहा है। अच्छा ठीक। और ये रहा जो ये अपने दांत दिखा रहा है फोन लेने के लिए। अरे तो तुम कर ले। तो चलिए मैं पहले इसके लिए इसके पापा के लिए चाय बनाने रख देती हूँ और इसको दे देती हूँ फोन। बस आधा घंटा फोन मिलेगा। ओके ले लो फोन। चलो ये चाय बन गई है हमारी और आइए और आप भी पीजिए। और शहरी आप भी पीजिए, आपको नहीं पीनी। और ये आ गए ऑफिस से। और शहरी ने आज मेरे को एक गिफ्ट दिया है। मैं दिखाऊं? क्या दिया? गिफ्ट दिया है शहरी ने आज मेरे को। ये 100 रुपए दिए मैंने अपने। इसने जो पैसे जमा कर रखे है ना उसका गिफ्ट। अरे इसका ढक्कन ही निकल फंस गया। ऐसे ऐसे निकल ना। इसने एडवांस में दिया है ना, फिर एक और मिलेगा ना, वो तो पापा दिलाएंगे ना फिर। अब एक एक गिफ्ट तो दिलाओगे। रात को गिफ्ट दे दिया है तेरे को, वही गिफ्ट था तेरा बस। और कोई वो तो वैलेंटाइन का है ना, वो भी एनिवर्सरी का भी है। एनिवर्सरी का तो अलग होता है। चॉकलेट वैलेंटाइन एनिवर्सरी का। हां देखा एनिवर्सरी का। दोनों कैसे मिल गए? दोनों मिल गए हैं। चॉकलेट वैलेंटाइन एनिवर्सरी का 100 रुपए की आई है। चॉकलेट वैलेंटाइन एनिवर्सरी का और वो वैलेंटाइन का है। दोनों के 100 रुपए। तो फिर शहरी को भी नहीं मिलेगा? क्यों, मेरे को तो दिया ही नहीं। तो मिलेगा तुम दोनों एक हो गए ना। मैं गुड्डू को बुलाती हूँ। गुड्डू मेरा साथ दे। गुड्डू बाहर खेल रहा है। चलो पी लो चाय और आइए और आप भी चाय पीजिए। और आज की चाय शहरी ने बनाई है। आज की चाय मैंने बनाई है ना शहरी। तो चलिए जी खाने में आज मैं बनाऊंगी पनीर के पराठे। और बच्चे कह रहे हैं आज पनीर के पराठे और बच्चों के पापा भी कह रहे हैं पनीर के पराठे बना ले और चटनी बना ले। और कल की मेरे आलू की सब्जी रखी है तो आज हो जाएगा ये वाला काम हमारा, आलू की सब्जी और पनीर के पराठे और थोड़ी सी चटनी। तो चलिए पहले मैं कद्दूकस में इसको कर लेती हूँ पनीर को ग्रेट। और फिर उसके अंदर मिला दूँगी प्याज, मिला दूँगी 2 प्याज, हरा धनिया, हरी मिर्च, अदरक लहसुन ये सब मिला दूँगी मैं। फिर इसको आटे में भर के फिर बना लूँगी इसके पराठे। और बच्चों को ये पराठे बड़े पसंद आते हैं, बच्चों की पसंद के पराठे हैं ये। आलू से ज़्यादा अच्छे बच्चों को पनीर के पराठे अच्छे लगते हैं और शहरी के तो फेवरेट हैं, है ना शहरी? पनीर के पराठे फेवरेट है ना आपके? ओहो अभी अभी शहरी ने इंस्टाग्राम पे रील डाली है ना, डाल दिया है। हाँ। कौन सा वाला खाना है वो? कल की नहीं खा ली मैं तो। बादाम बादाम कच्चा बादाम में चला गया। कच्चा बादाम तो गाइस मैं आपको करके दिखाती हूँ वो वाला। मैंने अभी रील डाली है, जस्ट अभी अभी डाल के आई हूँ मैं। ऊपर कहते कच्चे बादाम करके आ रही है, ऊपर से आवाज आ रही है सबको। चलो गाइस मैं आपको करके दिखाती हूँ कैसे करते हैं। यूं करते हैं, देखो दिखाओ, देखो
ऐसे और ऐसे करके बना के आई। तो चलिए पनीर का मसाला भी मैंने बना लिया है और आटा भी मैंने गूंद लिया है और अब फटाफट रोटी पराठे डाल देती हूँ बच्चों के लिए। शहरी को बहुत तेज़ भूख लग रही है और शहरी इसलिए किचन में ही खड़ी है कि मम्मी जल्दी से बना के दे दो मेरे को। तो चलिए मैं जल्दी जल्दी बच्चों के लिए ये सेक देती हूँ पराठे। और शहरी जैम से खाने के लिए कह रही है कि मम्मी मैं पराठा जैम से खाऊँगी। और गुड्डू के लिए बन रही है चाय, गुड्डू खाएगा चाय से और शहरी खाएगी जैम से। तो चलिए मैं दे देती हूँ बच्चों को खाना। बन गया है हमारा पराठा पनीर का और गुड्डू इसके साथ पिएगा चाय और लेगा जैम। तो चलिए जाइए अंदर खाइए जाके। और भाई ये खा रहे हैं खाना, शहरी खा रही है अपनी फेवरेट प्लेट में। कहाँ शहरी? पनीर के पराठे खा रहे हैं, मम्मी बैठी यहाँ पर और ये देख रहे हैं अपना ही ब्लॉग। कैसे बना शायद गुड्डू? पनीर के पराठे मक्खन के साथ। पनीर के पराठे मक्खन? देखो मम्मी कैसे बैठी है, इधर कोने पे बैठी है। मेरे पराठे टूटा हुआ है। टूटा हुआ है? कहाँ टूटा हुआ है? तो तुमने तोड़ा तो टूटा है ना वो। ये बैठा है चिंटू और आके ये आज टीवी देख रहा है, नहीं तो ये रात में आता नहीं है। आज ये यहाँ बैठा है, गुड्डू के साथ खेल रहा था तो ये अभी नीचे बैठ गया है, मैंने सरजाई में बिठा रखा है। और कल इसका बर्थडे था, है ना भाई चिंटू? हाय हेलो कर दो। हाय हाय। और कल इसका बर्थडे था तो इसकी थोड़ी सी तबीयत खराब हो गई थी, है ना? क्या हुआ था कल? थोड़ी इसको ठंड सी लग गई थी तो इस वजह से इसने पार्टी नहीं करी थी अपने बर्थडे की, है ना भाई? लेकिन करेगा, है ना? पार्टी तो करेगा ना, उधार है ना पार्टी तुम्हारी, है ना? हाँ। और ये बैठा गुड्डू। गुड्डू कैसे लगे पराठे? बहुत टेस्टी। इसको अच्छे लगते हैं पनीर के पराठे? चिंटू ने नहीं खाया। चिंटू क्या खा के आया खाना? आलू खाए हैं। चिंटू आलू खा के आया है और शहरी खेल रही है, चिंटू के घर खेल रही है, काकू के साथ खेल रही है। और तो चलिए, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लग रही है तो हमारी वीडियो को लाइक शेयर कमेंट कीजिए और हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए मिलते हैं आपसे अपने अगले व्लॉग में, तब तक के लिए बाय।